स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला। तो लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला स्टडी किया है, तो चलो देखते हैं इस वाले वीडियो पार्ट में कुछ एग्जाम्पल जो कि बोर्ड में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल ये कुछ है, इफ द पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन द सर्कल और सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो हमको बोला है बी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर एक्स जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इमेजिन करो ये सवाल और उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम बनाया है तो ये कुछ दिखेगा ऐसे, तो ये कुछ दिखाई देगा ऐसे, और अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दूं सेंटर के साथ में तो ये बनेगा AO रेडियस और ये दूसरा बनेगा हमारा BO रेडियस, और हमको पता है कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आपस में इक्वल इन लेंथ होते हैं, तो AO इक्वल्स टू बनेगा BO, तो क्यों ना हम लोग उसको यहां पे लिख दे। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, AO इक्वल्स टू BO और उनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल बनेगा, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट रेडियस। ओके, तो क्यों ना हम लोग AO और BO को सॉल्व करें, अगर हम लोग AO और BO को सॉल्व करके कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर यहां पे निकल के आएगा। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला से मैं AO फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो AO क्या बनेगा, सबसे पहले आप लोगों को इसको आप लोगों को मानना पड़ेगा x2 y2 और ये बनेगा हमारा x1 y1। ओके, x1 y1 ठीक है, तो यहां पे बनेगा x2 x1 मतलब 4 माइनस 2 बनेगा हमारा 2, ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस साथ में बनेगा यहाँ पे 3 माइनस 3 बनेगा 0, ये बनेगा 0 का स्क्वायर और ये सब कुछ हमारे स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 2। तो ए अगर 2 है तो बीओ भी 2 आना चाहिए, दैट इज व्हाट रेडियस इक्वल्स टू 2। तो बीओ के लिए भी लिख देते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, तो बीओ इक्वल्स टू फिर से वही चीज, अगर हम लोग इसको x2 y2 कहेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो x2 y2 मतलब x2 माइनस x1 कितना बनना चाहिए, तो ये बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 बनेगा 2, ये बनेगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू BO, ऑलरेडी इक्वल्स हमारा कितना है गाइस, यहां पे 2 है, तो क्यों ना हम लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दे तो यहां पे स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे भी ये बनेगा 4, तो 4 कैंसिल आउट, सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में तो बनेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां पे हम लोगों ने x का वैल्यू ढूंढ के निकाला है जो बनेगा 2, सो b के कॉर्नर्स बनेंगे हमारे 2, 5। ओके, सो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जांपल में हमको पूछा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये दो पॉइंट्स, है ना, और ये सवाल सीबीएसई में दो बार पूछा हुआ है। तो चलो आप लोग इसको इमेजिन करो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, अगर आप लोगों ने उसका डायग्राम बनाया है तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। तो यहां पे ए और बी पी से सेम दूरी पे है, तो क्यों ना इसको हम लोग ज्वाइन कर दे, तो ज्वाइन करने के बाद ये बनेगा हमारा पी बी एंड ये बनेगा हमारा पी ए, और हमको पता है कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो ये आपस में इक्वल इन लेंथ है, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, एक्स कॉमा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू हमारा 0 होता है, तो क्यों ना हम लोग उसको यहां पे लिख दे। तो गिवन चीज व्हाट कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है और उसका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करें, तो पी ए स्क्वायर क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो चलो कर देते हैं, जैसे स्क्वायर हम लोगों ने लिया है तो स्क्वायर रूट साइन नहीं आएगा, तो ये बनेगा एक्स और ये बनेगा हमारा 2, ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा हमारा माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज व्हाट 25। एंड व्हाट अबाउट पी बी, सो पी बी के लिए भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, हम लोग उसको ओरली सॉल्व कर रहे हैं, तो बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और साथ में हमारे यहाँ पे 9 का स्क्वायर आएगा माइनस 9 का भी 81। तो क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे, तो ये क्या आएगा, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25, ये बनेगा होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81, एक्सपांड कर देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 4x, ये बनेगा प्लस 4, ये बनेगा 25 इक्वल्स टू, ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा 4x प्लस 4 प्लस 81। तो क्यों ना यहां पे हम लोग कुछ चीजें यहां पे एलिमिनेट कर दे, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये 4 और 4 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच रहा है गाइस, तो यहां पे बच रहा है माइनस 4x, ये इस साइड में जाएगा तो बनेगा प्लस 4x, तो उधर जाएगा तो प्लस 4x, 4x और 4x बनेगा हमारा 8x, देन नेक्स्ट ये 81 इधर आके बनेगा हमारा माइनस 81, तो ये बनेगा 25 माइनस 81, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारा माइनस 56।
ओके दिस विल व्हाट माइनस 56 एंड 8x इक्वल्स टू माइनस 56 तो x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए तो x इक्वल्स टू आएगा हमारा माइनस 7 फॉर श्योर सो x का वैल्यू आ गया माइनस 7 यानी p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे माइनस 7, 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर तो चलो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ओके तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन इज दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p व्हिच इज ट्वाइस ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट एंड p इज इक्विडिस्टेंस ये दो पॉइंट से और हमको बोला कि p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो और ये सीबीएसई एग्जाम में दो बार पूछा हुआ है तो क्यों ना आप लोग इसको इमेजिन के ड्रॉ करने की कोशिश करो ओके अगर आप लोगों ने इसको ड्रॉ किया है तो ये कुछ दिखाई देगा एज तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि PQ इक्वल्स टू यहां पे PR है तो चलो लिख देते हैं तो PQ इक्वल्स टू PR या फिर दोनों का स्क्वायर भी आपस में सेम रहेगा बट P का जो Y कोऑर्डिनेट वैल्यू है व्हिच इज व्हाट हाफ ऑफ X या फिर X कोऑर्डिनेट वैल्यू है जो Y का डबल है तो क्यों ना Y कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम लोग A मान ले तो A अगर रहेगा तो X वैल्यू रहेगा हमारा 2A तो ये रहेंगे हमारे P के कोऑर्डिनेट्स ठीक है तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग PQ कितना आएगा तो ऑब्वियसली यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट साइड नहीं रहेगा तो देखो यहां पे PQ मतलब बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा y प्लस 5 का स्क्वायर एंड सिमिलरली फॉर PR ये क्या बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 6 का होल स्क्वायर चलो यहां पे तो इनको अगर हम लोग आपस में एक्सपांड करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा ये बनेगा x स्क्वायर ये बनेगा माइनस 4x प्लस 4 प्लस ये बनेगा हमारा y स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा 10x प्लस 25 ओके इक्वल्स टू ये क्या बनेगा गाइस ये बनेगा x स्क्वायर प्लस बनेगा 6x प्लस 9 देन ये बनना चाहिए हमारा y स्क्वायर है ना माइनस 6 टू द 12x एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट ये बनना चाहिए हमारा यहां पे सॉरी ये यहां पे हम लोग थोड़ी सी यहां पे गलती कर दी हम लोगों ने ये y स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा 10y ओके ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये बनेगा y स्क्वायर और ये बनेगा हमारा 12 माइनस 12y एंड ये बनेगा हमारा प्लस 36 ओके तो क्या यहां पे चीजें एलिमिनेट होने वाली है ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये y स्क्वायर और ये भी y स्क्वायर हमारा यहां पे एलिमिनेट हो जाएगा और कुछ हम लोग यहां पे कर सकते हैं तो हम लोग कर देंगे बट हम लोग अभी इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो देखो क्या बनेगा यहां पे ये यहां पे हम लोग x का वैल्यू अगर 2a रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4 टू जा बनेगा हमारा a टाइम a ओके ये 4 एज इट इज प्लस 25 भी हमारा यहां पे एज इट इज और यहां पे हमारा 10y है y का वैल्यू हमारा n a है तो ये बनेगा हमारा 10 टाइम्स a इक्वल्स टू ये 6x मतलब कितना बनेगा हमारा x का वैल्यू 2 है तो बनेगा हमारा 12 टाइम्स a प्लस 9 इसके बाद ये कितना आएगा हमारा माइनस 12 टाइम a प्लस 36 ओके तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि यहां पे भी कुछ चीज हमारे एलिमिनेट होने वाली है दैट इज व्हाट प्लस 12 और माइनस 12a हमारा यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा 2a तो चलो लिख देते हैं ये बनेगा हमारा 2a उसके बाद ये बनेगा हमारा 29 उधर जाके बनेगा हमारा माइनस 29 ये बनेगा 36 माइनस ये बनेगा हमारा यहां पे 29 ओके और यहां पे प्लस 9 ऑलरेडी है तो 36 प्लस 9 बनेगा 45 और ये बनेगा हमारा यहां पे 16 ओके सो इफ इट इज 16 तो a इक्वल्स टू बनेगा हमारा 8 अगर a इक्वल्स टू 8 है तो हम लोग डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा x आएगा हमारा 8 का डबल यानी 16 y अगर हमारा a 8 है तो x बनेगा हमारा 16 सो p के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने गाइस यहां पे फाइंड आउट कर लिए हैं ओके सो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल तो एग्जांपल कुछ ऐसा है शो दैट ये तीन पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है गाइस कोलिनियर मतलब व्हाट एक स्ट्रेट लाइन है और इनके ऊपर अगर तीन पॉइंट्स वो लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कोलिनियर रहेंगे बट आपको कोलिनियर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो देखो डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूव करेंगे मान लो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट हमारा बी है एंड अगर पॉइंट सी है ये आपस में कोलिनियर है तो कोलिनियरिटी के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा दैट इज व्हाट एसी सम होना चाहिए हमारा एबी प्लस बीसी का ओके आप अगर ऐसा शो कर पाएंगे तो ये कोलिनियर है अगर ये ऐसा शो नहीं होगा तो ये नॉन कोलिनियर है को ऐसा ही कुछ करना है ठीक है तो चलो कर देते फिर तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि ए बी सी के आप लोग कोऑर्डिनेट्स वैल्यू रिप्लेस करने पड़ेंगे तो हमारे पास ए का वैल्यू पता है हम लोगों को ए बी सी कुछ ले लेंगे हम लोग ये बनेगा 1 माइनस 1 ये बनेगा हमारा 5, 2 एंड दिस इज व्हाट 9, 5 ओके क्यों ना हम लोग एसी फाइंड करें यहां पे तो डायरेक्टली एसी इक्वल्स टू क्या बनेगा देखो यहां पे ये बनेगा 9 - 1 ये बनेगा 8 ये बनेगा 8 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा 5 + 1 = 6 ये बनेगा 6 का स्क्वायर सो ये आएगा 64 + 36 आएगा 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगा हमारा 10 यूनिट्स तो AC आ गया हमारा 10 तो चलो चेक करते हैं AB के लिए तो AB कितना आएगा हम लोग यहां पे चेक करते हैं देखो AB बनेगा 5 - 1 बनेगा 4 4 का स्क्वायर 16 और 2 + 1 बनेगा 3 3 का स्क्वायर 9 ये बनेगा 25 और 25 का स्क्वायर आएगा 5 सिमिलरली फॉर BC तो BC कितना आएगा यू नो BC आएगा हमारा 9 - 5 बन गया 4 4 का स्क्वायर 16 और 5 - 2 बनेगा 3 3 का स्क्वायर 9 बन गया 25 और इसका स्क्वायर रूट
यहाँ पे 5। तो क्या AC equals to AB plus BC दिखाई दे रहा है? Yes, obviously दिखाई दे रहा है। ये हमारा 5 और ये 5 equals to 10। तो देखो हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे प्रूव कर दी है, इसीलिए ये गिवन चीज़ जो है हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है गाइस, ये बन रहा हमारे यहाँ पे कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या बन चुके, कोलिनियर बन चुके हैं। ठीक है, हम लोग यही पॉइंट्स अगर या फिर यही एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारे दूसरे वाले प्रॉपर्टी से, जिसको हम लोग कहेंगे बायजिंग स्लोप। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे कुछ बोला है शो दैट ये फोर पॉइंट जो है वो वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे रेक्टेंगल या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है। ओके, एंड अगर आपको यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल को शो करना है, रेक्टेंगल है, तो आपको दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। दैट इज व्हाट, उनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको एबीसीडी नाम दे दूंगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो अगर आपको इसको शो करना है क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल, तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आपको शो करना पड़ेगा ए बी इक्वल्स टू सी डी, बायजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलरली आपको ए बी शो करना पड़ेगा कि बी सी इक्वल्स टू ए डी। तो इतना करने के बाद ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पैरेललोग्राम। आपको ये चीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डायगोनल जो है आपस में इक्वल होना बहुत जरूरी है, तब जाके ये बनेगा हमारा रेक्टेंगल। तो फाइनल चीज आपको ये करनी है, दैट इज व्हाट, एसी इक्वल्स टू बीडी। एसी इक्वल्स टू अगर आप लोग बीडी कर दोगे, तो आप लोग इसके ऊपर से कंक्लूड करोगे ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, यहां पे रेक्टेंगल है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 माइनस 1, ये हमारा 6 7 है, देन नेक्स्ट ये क्या है हमारे लिए माइनस 2 3 है, एंड देन ये हमारा कितना है 8 एंड 3 है। ठीक है, तो चलो कर देते हैं ए बी और सी डी आपस में सेम है क्या, चेक करना पड़ेगा। ए बी बाइजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कितना गाइस, देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 7 और कितना बनेगा हमारा 7 प्लस 1 बनेगा 8, सो ये बनेगा 36 प्लस 64। तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 100, उसका आंसर आएगा 10। व्हाट अबाउट योर सी डी, क्या सी डी हमारा सेम आएगा, चेक करते हैं हम लोग। सी डी कितना बनेगा, ये बनेगा 8 प्लस 2 बन गया 10 और 3 माइनस 3 0, सो 10 का स्क्वायर आएगा 100 इक्वल्स टू 10। ओके, तो पहला वाला हमारा यहाँ पे आ चुका है, दैट इज व्हाट, ये बन चुका है हमारे यहाँ पे, सॉरी ये हमारे यहाँ पे बन चुका है इक्वल्स टू 10। ओके, तो चलो इसको लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 10। सो क्या बी सी इक्वल्स टू हमारा ए डी भी बनेगा यहाँ पे, ये हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट अबाउट योर बी सी एंड ए डी, तो बी सी इक्वल्स टू अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सो बी सी इज वॉट 6 और ये बनेगा 8, ये बनेगा हमारा 8 का स्क्वायर और 7, बी सी ये बनेगा 6 और ये बनेगा 2, ये बनेगा 8, 8 का स्क्वायर बन गया 64 एंड 7 माइनस 3 बन गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इनका एडिशन करेंगे तो आएगा 80। तो इसका आंसर हमें चाहिए रूट 80। वॉट अबाउट ए डी, सो ए डी क्या सेम चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ओके फाइंड आउट कर देते हैं। सो ए डी के लिए भी लिखना पड़ेगा ए डी इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा गाइस, तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे Not about AD, this is about not AC. Okay, this is about AC, not AD. तो AC कितना बनेगा, देखो माइनस टू का स्क्वायर आएगा हमारा 4 एंड ये बनेगा हमारा, सॉरी हम लोगों ने क्या फाइंड किया यहाँ पे, हम लोगों ने BC फाइंड किया, सॉरी हमको AD ही फाइंड करना है, मैं यहाँ पे डायगोनल फाइंड कर रहा था, ठीक है सॉरी। सो दिस इज वॉट, हमको AD फाइंड करना है। सो AD नथिंग बट वॉट क्या बनेगा हमारे यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 एंड दिस इज वॉट 3 प्लस 1 बनेगा 4, तो 64 प्लस का स्क्वायर, ठीक है 64 और 4 का स्क्वायर तो बनेगा 64 एंड प्लस 16, ये बनेगा हमारा फिर से रूट 80। तो यहां पे हम लोग आ चुका है BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू व्हाट इज दैट रूट 80, है ना। तो व्हाट अबाउट AC एंड BD, तो इधर हम लोग AC और BD फाइंड कर लेते हैं। सो AC नथिंग बट व्हाट डायगोनल है हमारा यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और ये बनेगा हमारा 3 प्लस 1 बनेगा हमारा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा हमारा रूट 20 equals to what root 20। and what about your BD, so BD equals to क्या होना चाहिए, देखो चेक करते हैं हम लोग, तो बनेगा हमारा 8 minus 6 बनेगा 2, 2 का square 4 और कितना बनेगा 4, 4 का square हमारा बनेगा 16, तो ये भी बनेगा हमारा रूट 20। तो यहां पे भी हमारा आपस में ये इक्वल इन लेंथ आ चुका है, दैट इज व्हाट रूट 20। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल बन चुका है। आपको ये चीज यहाँ पे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो एक बढ़िया एग्जांपल आप लोग लेने वाले हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पुट करना है, और एग्जांपल आपके लिए ये कुछ है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक दो पॉइंट्स है, वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको ये प्रूव करना है कि थर्ड वर्टेक्स क्या होना चाहिए, और ये सवाल आपको सीबीएसई 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।